सब मर्द माँ बड़े बड़े खुद्दार है, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है, अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ ना जगदम्बे है। दोस्तों एक एम्बुलेंस का वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, तो क्या है इसके पीछे की कहानी? कहानी बस इतनी सी है कि एक 40 दिन के बच्चे को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी थी, और शरीर से जब कोई भी दिल निकलता है तो वो दिल सिर्फ 4 घंटे तक ही सही ढंग से रह पाता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। तो वो 4 घंटे के अंदर ही उस दिल को मैंगलोर से बैंगलोर पहुंचाना था, जो कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बखूबी पहुंचा दिया बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए बहुत ही ज़्यादा वाहवाही मिल रही है भाई को, और सल्यूट है हम सबकी भी कि उसने इंसानियत का इतना अच्छा काम किया है। मैंगलोर से बैंगलोर 400 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो कि उन्होंने 4 घंटे के अंदर ही कम्प्लीट किया है और एक बच्चे को जिंदगी दी है। तो हैट्स ऑफ है। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या। के फोर्टिस अस्पताल में एक मरीज का दिल फेल हो गया था और उसे फौरन दूसरे दिल की जरूरत थी। चेन्नई के डॉक्टरों ने दिल के लिए बेंगलोर के अस्पतालों में संपर्क किया। डॉक्टरों को पता चला कि बेंगलोर के एक अस्पताल में एक महिला मरीज ब्रेन डेड है और उनका परिवार अंग दान के लिए राजी है। डॉक्टरों ने फौरन दिल को बेंगलोर से चेन्नई ले जाने का फैसला किया। रतु 400 किलोमीटर 4 घंटे में चला गए, हवाई जहाज ने भी पाछे छोड़ गया। रे सलाम है उस्ताद, तना हरियाणा वाला की ओढ़ते है, तू तो गाड़ी चलाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। जय बाबा की। मंगलोर से लेकर बेंगलोर तक उस पूरी जनता को मेरा नमन, जिन्होंने एम्बुलेंस के लिए सारे रास्ते का ट्रैफिक हटा के लगभग 500 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे से भी कम समय में पूरा करने में और उस बच्चे को नया जीवन दान देने में अपना अमूल्य योगदान दिया। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिखा।